चला रहे हैं, सदर में मार्शल्स को तैनात किया गया है ताकि पीठासीन अधिकारियों की हज कमेटी के मेंबर हमेशा दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, फाइल एलजी के पास भेजी जाती है और वो साइन करके वापस भेजते हैं। आज तक दिल्ली सरकार के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि जो नाम दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए हों उनको रिप्लेस करके कोई एक नया नाम हज कमेटी में एलजी द्वारा डाला गया। और किसका नाम डाला एलजी ने? कांग्रेस की लीडर ऑफ द हाउस नाजिया दानिश का नाम भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे एलजी साहब ने डाला है। ये क्या दिखा रहा है? ये स्पष्ट तौर पे दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में डील हुई है। नाजिया दानिश को हज कमेटी की मेंबरशिप दी गई है और इन रिटर्न उन्होंने कांग्रेस के पार्षदों का आज की वोटिंग से वॉकआउट इंश्योर किया है कि भारतीय जनता पार्टी को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में फायदा पहुंच सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।